दोस्तों अगर आप ड्रीम इलेवन खेलते हैं तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि बहुत बार है आपकी टीम है अच्छा प्ले करती है, आपका जो कैप्टन और वाइस कैप्टन है वो भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन फिर भी आपकी फर्स्ट रैंक है वो नहीं आती है। तो इसके पीछे क्या वजह है कि आपकी फर्स्ट रैंकिंग नहीं आती है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ड्रीम इलेवन में है फर्स्ट रैंकिंग ला सकते हैं बहुत ही इजीली। तो अगर आप कभी ना कभी ड्रीम इलेवन खेलते हैं तो इस वीडियो को आप स्किप बिल्कुल भी मत करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है अगर आप ड्रीम इलेवन खेलते हैं। तो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके टीम के अच्छे प्रदर्शन के बाद भी है आपकी फर्स्ट रैंकिंग क्यों नहीं आ पाती है। तो गाइस इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप जब अपनी ड्रीम इलेवन की टीम को चूज करते हैं तो सेम वैसी की वैसी टीम है ड्रीम इलेवन भी चूज करती है, यानी कि आपके डुप्लीकेट टीम है वो बन जाती है, जिसकी वजह से जब आपके प्लेयर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वो फर्स्ट रैंकिंग पर नहीं आ पाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इससे बच सकते हैं और कैसे आप ड्रीम इलेवन में हैं फर्स्ट रैंकिंग पर आकर एक 25 लाख रुपए के हकदार बन सकते हैं। तो गाइज आपको करना क्या है, जब आपका मैच स्टार्ट होने वाला हो तो मैच के स्टार्टिंग से 5 या 6 घंटे पहले आपको एक ड्रीम इलेवन की टीम को चूज करना है। और मैं आपको यह भी बात मेंशन कर दूं कि आप उस टीम को चूज करेंगे जो आप एक्चुअल में नहीं लेने वाले हैं। और गाइस टीम चूज करने के बाद आपको उस कॉन्टेस्ट में भाग ले लेना है, पार्टिसिपेट कर लेना है, बिकॉज अगर आप एग्जैक्ट टाइम पर करोगे तो वो कॉन्टेस्ट है वो फुल हो जाता है, जिसकी वजह से आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, तो आप उसी टाइम में उसमें पार्टिसिपेट कर लोगे। अब गाइस ना क्या है कि जब मैच स्टार्ट होने वाला हो तो मैच स्टार्टिंग से 5 या 10 मिनट पहले आपको अपनी टीम को मॉडिफाई कर लेना है, यानी कि जो टीम आपने 5 घंटे पहले तैयार की थी, चूज की थी, उसको आपको एग्जैक्ट जो आप टीम लेना चाहते हैं उसमें बदल लेना है, जिससे होता क्या है कि आपकी डुप्लीकेट टीम नहीं बनती है, बिकॉज ड्रीम इलेवन को है इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो आपके डुप्लीकेट टीम है वो चूज कर सके। तो आपको करना क्या है, जब मैच स्टार्टिंग से 5 या 10 मिनट पहले अपनी टीम को है वो बदल लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं, इस तरह से टीम चूज करते हैं और अगर आपकी टीम अच्छा प्ले कर लेती है तो आप फर्स्ट रैंकिंग पर आ सकते हैं और आपके चांसेस है वो 100% है वो बढ़ जाते हैं। तो गाइस इस तरह से आप ड्रीम इलेवन में हैं वो फर्स्ट रैंकिंग पे आ सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।